रिलीजन और ट्रेडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, एंड तो इन प्रीचिंग के या तबलीग के तो रास्ता कैसे दिखाएं कि बिकॉज इट्स सो स्ट्रॉन्ग. इसके मुताबिक मैंने वहां भी आपको समझाया था, आप पता नहीं थे कि नहीं, मगर बाकी जो जमात थी उनको मैंने बताया था कि इनको सिर्फ रूहानियत के जरिए काबू किया जा सकता है, यानी इस्लाम की तरफ फेरा जा सकता है. दलाइल के एज पेज में नहीं आएंगे, ना उसमें दिलचस्पी लेते हैं ज्यादा. ईसाइत के साथ भी उन्होंने एक फ्रॉड ही किया हुआ है, नाम ईसाइत का बना ले, बहुत से फिक्रे यानी बड़ी तादाद में उनके लोग ईसाई हो गए. लेकिन जब आप उनसे पूछे बरह रास्त अपने मजहब क्या था, अपना कुरान ना जरूर बताते हैं, कोई उनको दिलचस्पी नहीं ईसाइत में. मगर ईसाइत ने अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने के लिए और इस्तेहकाम की खातिर बड़ी बड़ी कौमों को उस तरह कब्जे में किया है, नाम के तौर पर ही. फिर आगे उनके बच्चे जब तालीम पाते हैं दूसरी तीसरी नस्ल में तो कुछ उनमें ईसाई भी बन जाते हैं. मगर मैंने जहाँ भी उनसे रब्ता किया, मुझे तो मौरिज में यहाँ आके भी मिले हैं बास, उन्होंने ईसाइत कोई दिखाई नहीं दी. वो अपने पुराने कदीम मजहब जो एक बहुम सी चीज है, कल्चर है दरअसल, उसके कायल हैं और रूहानियत की तरफ तवज्जो है. इसलिए अगर रूहानी तौर पर दुआ के जरिए और उनको रूहानियत का कायल करके खुदा की तरफ सिर्फ खींचा जाए तो वेद नहीं कि लोग होना शुरू हो जाए. उनके एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और उनके अवामुल नास से राबता उस लीडरशिप को छोड़कर मुश्किल होगा. और उस लीडरशिप से राबते के लिए एक लंबी मेहनत दरकार है, क्योंकि एक दो के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो मानेंगे खुल के. इसलिए प्लान करके उनकी लीडरशिप का स्ट्रक्चर देखकर उसमें मुख्तलिफ आदमियों को मुख्तलिफ जगहों पर लगाना ताकि वो अपनी काउंसिल में फैसला करें कि हम मुसलमान होते हैं. वो जो फैसला है वो सब उनके मतहतों को साथ ले आएगा, क्योंकि उनका होल्ड है अभी तक. और ये भी मुख्तलिफ इलाकों को हैं, मुख्तलिफ जगह उनके अलग अलग लीडरशिप के ग्रुप बने हुए हैं जहां तक मेरा मुतालिया, ठीक है ना ये बात. जी हाँ. तो ये काम करें आप, फिर देखें अल्लाह फजल करे. मगर संजीदगी से करना चाहिए, इत्तफाकी राबतों से बात नहीं बनती. अब मैं गया था, मेरे राबते हुए, उनका रुझान पैदा हुआ, फिर फॉलो अप नहीं हुआ पीछे. उसके बाद जो सिलसिले को जारी रखना है ये तो बड़ा मेहनत तलब काम है, और एक एक आदमी की सपोर्ट बकायदा एक मिशन के तौर पर होना चाहिए कि ये तुम्हारे सपोर्ट है, तुम जिम्मेदार हो, तुम जवाब दे हो, जो चाहे कुछ करो लेकिन तुमने ये काम करना है. तो इस लिहाज से उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ तो दिल्ली आ जाएगी, लेकिन काम को जरा मुनज़्ज़म तरीके पे करना होगा और दुआओं के साथ ये भी तवज्जो दिलाने की जरूरत है. हमारे आदमी वहाँ दुआओं से गाफिल हो जाते हैं रफ्ता रफ्ता और समझते नहीं कि इसकी अहमियत कितनी है. वो काम जो बिल्कुल नामुमकिन दिखाई दे रहे हों उनमें जान न पड़े, दुआ शुरू करें तो उनमें जान पड़ जाती है. तो जिंदगी डालने वाला अल्लाह है, इंसान नहीं. इसलिए ये मुर्दा काम है, साहब कौमें भी मुर्दा हैं, इनमें दुआ की ताकत के बगैर जान नहीं आ सकती. तो ऐसे लोग लगाएं जिनको आप मुय्यन तौर पर कहें अब तुमने दुआ में लग जाना है, इनके लिए हर सफर से पहले दुआ किया करो, हर मुलाकात के दौरान दुआ किया करो, और फिर इंशाल्लाह उसके फजल से रफ्ता रफ्ता देखेंगे कि वो रब कैफा तो ही माता का नजारा को देख लेंगे अल्लाह के फजल से. सुनाइए.